रोटी महंगी है, कपड़ा महंगा है, शिक्षा महंगी है, बिजली महंगी है, ट्रांसपोर्ट महंगा है, ये खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं और विवश है परिवार अपनी भविष्य की जमा पूंजी को खर्चने के लिए। तो बजट आने के जस्ट पहले, और आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी, आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, आप लोगों से अनुरोध है कि यह सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि समझना जरूरी है कि बजट के जस्ट पहले देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। और शुरुआत हम उस आपदा से करते हैं जिससे कि यह देश जूझ रहा है, और वो है बेरोजगारी। गुजरात की टूटती हुई रेलिंग और मुंबई में कम पैसा देने वाली एविएशन के लोडिंग सेक्टर की नौकरियां और वहां पर आई लाखों की भीड़ इस सरकार की फिजूल की दलीलों का पर्दाफाश करती है। भयावह बेरोजगारी से हमारा देश जूझ रहा है। आंकड़े आपके सामने हैं, पहली वाली स्लाइड पे जाइए। आर्थिक कुप्रबंधन, नोटबंदी, आधे अधूरे जीएसटी और अकुशल कोविड प्रबंधन के चलते इस इकोनॉमी को 11.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और 1.5 करोड़ से ऊपर नौकरियां नष्ट हो गई। मोदी जी के कार्यकाल में, ये स्लाइड जरूर देखिएगा, करीब करीब 3 लाख केंद्रीय पीएसयूज की सरकारी नौकरियां नष्ट हुई हैं, जो संविदा पर काम करते थे। अगली स्लाइड प्लीज। जो संविदा पर काम करते थे उनकी संख्या 2013 में 19% थी, वो 2022 में जो लास्ट ऑफिशियल आंकड़ा है बढ़ के 43% हो गई। ये आपदा है हमारे वक्त की, लेकिन अब मोदी जी इतनी लंबी फेंक रहे हैं कि आप लपेट ही नहीं सकते हैं। उन्होंने 8 करोड़ रोजगार दे दिए। किसको दिए, कहां दिए, कहां है ये नौकरियां, क्यों इतना छुपाकर, क्यों इतना ढककर दी गई, किसी को पता ही ना चला, ना नौकरी करने वाले को पता चल रहा है, ना देने वाले को पता चल रहा है।